हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंसीव होने की तैयारी कर रहे हैं? तो मैंने चैनल पे वीडियो तो बहुत बनाए हैं टेस्ट से रिगार्डिंग, ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स, इम्बैलेंसेस, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आज एक बड़ा ही डिफरेंट एस्पेक्ट है प्रेगनेंसी होने से रिलेटेड, तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एक बहुत डिफरेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसा भी होता है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। क्या होता है कि जैसे ही हम ओव्यूलेशन ट्रैक कर रहे हैं, ओव्यूलेशन भी हो गया, ओके, उसके बाद हम इम्प्लांट के लिए भी देख रहे हैं, इम्प्लांटेशन भी हो गया, पर बात यहाँ अटकती है। वो नई बात यह है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी कोई साइन नहीं दे रही, कोई सिम्टम नहीं दे रही। तो अब हम क्या समझें? बहुत बड़ी डायलेमा की कंडीशन हो जाती है कि हम इस चीज़ को समझें तो क्या समझें, होपलेस हो जाएं और बराबर रिलेशन में रहें ताकि कंसीव हो कि ओवुलेशन लेट हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बिल्कुल मैस हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक एस्पेक्ट ये है कंसीव होने का कि कभी कभी हमारा शरीर बिल्कुल साइलेंटली काम करता रहता है और हमारा दिमाग जो है, हमारे साइकोलॉजी जो है, चल रही होती है सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, यूपीटी बार बार रिपीट करने में, लेकिन बॉडी साइलेंटली अपना काम कर रही होती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि बिना सिम्टम के प्रेगनेंसी कैसे जान सकते हैं आप। कोई सिम्टम नहीं हो रहा है आपको, जो कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताए हैं कि क्या सिम्टम होते हैं क्या नहीं होते हैं। लेकिन ये भी कहा कि बहुत सारी महिलाओं को सिम्टम नहीं भी होते हैं, तो जिनको नहीं होते हैं कैसे जानेंगी वो कि वो प्रेग्नेंट है? बॉडी साइलेंटली सब काम कर रही है, लेकिन कुछ तो चीज है जो हमें बता सकती है। बिल्कुल वही पॉइंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से गौर करने पे चीजें आप समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो बातें क्या हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये होता है कि बिल्कुल अनजाने में ही आप पानी बहुत पीने लग जाते हैं, आपको प्यास ज्यादा लगने लग जाती है। तो इसका कारण वो भी बताती हूँ। इसका कारण ये होता है, बिल्कुल आप उन सिम्टम्स में पड़े हैं कि भाई हैवी लाइट हेडेड फील करें, डिजी या होगा, क्रैम्पिंग होगी, कुछ होगा, वॉमिटिंग, नॉजिया, कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं हो रहा है आपको, लेकिन आप पानी ज़्यादा पीने लगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि आपका भ्रूण पहले 3 महीने में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बच्चा बहुत तेजी से गढ़ा जाता है 3 महीने, बाकी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो डेवलप होता है, 3 महीने में उसका क्रूड जो फॉर्म होता है बॉडी का पूरा गढ़ा जाता है, तो बहुत तेजी से सारी क्रियाएं होती हैं इस दौरान। तो उस समय मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है माँ के शरीर में, क्योंकि दो शरीर को पोषण देना है, खून का दौरा भी तेज हो जाता है, तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो भी पानी कंज्यूम होगा बॉडी से, तो अनअवेयरली आप पानी पीने लग जाते हैं, ज्यादा प्यास लगती है आपको और इस पे आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। अब आप पानी पियेंगे तो फ्रिक्वेंटली आप यूरिन भी जाएंगे, तो आप इसको कोरिलेट करेंगे, नहीं पानी पी रहे हैं तो यूरिन तो पास होगा, आएगा, तो ये चीजें बिल्कुल इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन ये प्रेगनेंसी का सिम्टम है जो कि बहुत खासतौर से ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन बिल्कुल धीमे से हमारे शरीर में हो रहा है प्रेगनेंसी होने के बाद, कंसीव होने के बाद। इसके अलावा भूख भी आपकी थोड़ा ट्रिगर हो जाती है, तो आप इसको दूसरे चीजों से भी कोरिलेट कर लेते हैं कि भाई भूख ज्यादा लग रही है, काम ज्यादा किया, थकान हो गई, या फिर जो कुछ भी, जैसे भी रीजन हो, जो भी आपकी लाइफस्टाइल हो, आप उसको कोरिलेट कर लेते हैं, भूख भी थोड़ी बढ़ जाती है, आप बहुत पसंद से चीजों को खाने लग जाते हैं, बहुत अच्छा लगने लग जा रहा है आपको। तो ये दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई, पानी ज्यादा पीने लग जाते हैं, यूरिन की फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ जाती है, इसको आप बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं, पानी से कोरिलेट करते हैं, और थोड़ी भूख भी बढ़ जाती है, बॉडी बिल्कुल साइलेंट होती है, ना ही आपको कोई क्रैम्प हो रहा है, ना ही आपको नौजिया हो रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से ये दो साइन मैनिफेस्ट होते हैं आपकी बॉडी में। अगली बात है कि आपको रेस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, जिसको भी हम बहुत सिंपल, बहुत यूजुअल तरीके से ले लेते हैं कि रेस्ट की नीड बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, जैसे कि मौसम बदलता, कहते हैं गर्मी आती है तो थकान बहुत लगती है, दिन में नींद आती है, कुछ इसी तरह से कॉमन रीजन से हम समझने लगते हैं कि आराम कर लेना चाहिए, बार बार बॉडी ऐसे फील कराती है कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा बैठ लो,
बार बार आप थकने लग जाते हो, रेस्ट की नींद होती है, इसके साथ ही आपको नींद बहुत आने लगती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि बहुत नींद आ रही है, सोना चाहिए मुझे। नींद जो नॉर्मल आप लिया करते हैं हमेशा, उससे कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है आपकी नींद के घंटे। तो ये भी एक बहुत गहराई से देखने वाला एक नज़रिया है जानने का अपनी प्रेगनेंसी को, क्योंकि ये बातें हम जनरली प्रेगनेंसी सिम्टम के तौर पर नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसी कंडीशन में बहुत साइलेंटली आपकी बॉडी आपके बच्चे को तैयार कर रही होती है, प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को भी आप बारीकी से गौर करें, लेकिन इस पर अपनी साइकोलॉजी को नहीं डालना है कि नहीं अगर मुझे प्रेगनेंसी होगी तो मैं टायर्ड फील करूंगी। बिल्कुल अनबायस होकर आप नेचुरल लाइफ जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। दिमाग से एक बार निकाल दें आप कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है या प्रेगनेंसी होगी नहीं, तो दिमाग अपने आप से क्रिएट करेगा कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है। बिल्कुल अनबायस तरह से नेचुरल रहे। तो ये चीज़ें सूक्ष्म रूप से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज़रूर मालूम चलेगी, क्योंकि ये अनुभव से आई हुई बात है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर ज़रूर जाएं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं, आपकी कोई समस्या है तो कमेंट करें। जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ यूट्यूब सहेली पे। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें और मेरे साथ बने रहें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।